हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जामिया क्लास 11th एंट्रेंस के बारे में। सिलेबस क्या होता है, सीट्स कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे आपको प्रिपरेशन करने के साथ साथ एंट्रेंस को क्रैक करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को देखिए और पूरी वीडियो को देखने के बाद समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जामिया क्लास 11th साइंस एंट्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्लास 11th साइंस एंट्रेंस के बारे में, तो एलिजिबिलिटी कितनी होती है, आपके मार्क्स कितने आने चाहिए क्लास 10th में कि आपको क्लास 11th साइंस में सीट मिल जाए। एंट्रेंस की तो बात बाद में है, पहले आपके मार्क्स की बेसिस बात करते हैं। तो क्लास 11th में जामिया में एडमिशन लेने के लिए आपके 61% मार्क्स, 61% मार्क्स कम से कम होने चाहिए साइंस में एडमिशन लेने के लिए। ये तो हुई इस बात। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये मार्क्स वाइज हो गई है 10th क्लास में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो जो जामिया के एंट्रेंस में आपका सिलेबस होता है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट में फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश आती है 25 मार्क्स। 25 की क्या है, इंग्लिश है आपके पास। फिर आपके पास आती है जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। ठीक है, ये अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा साइंस ही तो है, साइंस ही तो आती है आपके पास। और ये तीनों जो होते हैं 15 मार्क्स और 15 के, मतलब सिर्फ 45 मार्क्स की आपकी 45% साइंस आ रही है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो आपकी 10th क्लास की साइंस है वो 45% आ रही है, 100 में से 45 नंबर की आपके पास क्या है यहां पर, साइंस है। अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स आती है 20 मार्क्स की। तो 45 प्लस 20 65 70 और 20 90 हो गए हैं 10 मार्क्स की आपकी आती है जी की। तो अभी यहां पर समझते हैं कि हर सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगर अभी तक आपने शायद वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो 10th क्लास की साइंस से आपने पढ़ा हुआ है एंट्रेंस, आपने अभी बोर्ड के पेपर दिए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 10th क्लास में आए हैं और वो 10th क्लास में आने के बावजूद इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपकी दोनों जो प्रॉब्लम है 10th क्लास के बोर्ड और एंट्रेंस की, दोनों इसमें प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देता हूं। और वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन है भेट एकेडमी सीबीएसई। भेट एकेडमी सीबीएसई के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस सीबीएसई चैनल पर आपको 9th, 10th, 8th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोज, कंसेप्ट, लास्ट ईयर के क्वेश्चन, सीबीएसई के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सभी मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप क्लास 10th में है या आप अभी एंट्रेंस दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, तो आपको रिवीजन करना है। और हो सकता है आपका कंसेप्ट सही नहीं सीखे हैं आपने, तो कंसेप्ट के लिए आप वीडियोस देख लीजिए। कम टाइम में सभी कुछ आपको बताया गया है। तो 45 मार्क्स मैं कहता हूं, आप अगर वीडियो भी सिर्फ देख लोगे तो 40 से 45 मार्क्स आपके आराम से रहेंगे। प्लस आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन, जो जामिया के लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, एएमयू के लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपको करने हैं, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके साइंस की टेंशन हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट आती है मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए भी सेम, भेट एकेडमी सीबीएसई पर आपको ये एनसीईआरटी सीबीएसई वीडियोस मिल जाएंगी, और मेन क्या है आपको, लास्ट ईयर क्वेश्चंस इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आती है आपके पास इंग्लिश। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपकी इंग्लिश सही है, मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो आपको करना क्या है, सिर्फ 9th, 10th की जो इंग्लिश लेवल है वही आता है, वही आता है सिंपल। लेकिन मेन क्या करना है आपको, जो छोटे छोटे एंट्रेंस होते हैं, SSC है, छोटे एंट्रेंस है, क्लर्क लेवल है, तो वहां पर आप उनके क्वेश्चन भी करिए, ताकि आपका लेवल बढ़ जाएगा। उसके कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं लास्ट ईयर में आए हुए, तो वो हो जाएंगे ऐसे ही सेम जीके के लिए। तो इंग्लिश और जीके का ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पर लास्ट ईयर के क्वेश्चन हमने कर लिए, सब कर लिए, हमारी प्रैक्टिस रह जाती है। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, सोल्व करते हो, लेकिन टाइम, टाइम की वजह से
क्वेश्चन आप नहीं सोल्व कर पाते, गलत कर पाते हो, सोल्व नहीं कर पाते, तो फिर उसके लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए और आपको स्पीड चाहिए, दो चीजें आपको चाहिए, तो आप कोचिंग भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग कैसे ज्वाइन करनी है, कैसे आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगी, आप सिर्फ सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भेट अकेडमी, वहां पर पेज मिल जाएगा, वहां पर आप मैसेज कर दीजिए, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पेज पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जामिया में कॉम्पिटिशन कितना है, तो कॉम्पिटिशन की बात ऐसी है, सिर्फ 110 सीट्स हैं, ठीक है, 100 सिर्फ 110 सीट्स हैं, और पूरी कंट्री से थ्रू आउट द कंट्री स्टूडेंट्स अपियर होने वाले हैं एग्जामिनेशन में, और ये लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले बेस यही है, कंसेप्ट सही करना है। कंसेप्ट सही करने के लिए मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से, लास्ट ईयर क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस ऐसी वैसी गाइड की तरफ जाओगे तो बेकार हो जाएगा आपका सब कुछ, बेकार हो जाएगा, लेवल रह जाएगा बेकार, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, और डिस्ट्रैक्ट होने के बाद फिर आप वो सब छोड़ देते हो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिए, कोई भी सजेशन आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर वीडियोस मिली हुई हैं, पड़ी हुई हैं, जीके की वीडियोस हैं, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो फिर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना